अब तक आपने देखा कि मुंबई की एक जॉल में रह रहे श्रीकांत को अपने एरिया के भाई दिगंबर बर्वे और भाऊ को पकड़वाने के लिए मजबूरन पुलिस वालों की मदद करनी पड़ती है। इसी दौरान भाऊ की एनकाउंटर में मौत हो जाती है। इस बात से नाराज चौल वाले श्रीकांत और उसकी बेटी सुरभि को ताई के सामने लाकर खड़ा करते हैं। जान के बदले जान नहीं तो टांग के बदले टांग। ऐन वक्त पर पुलिस आकर उन्हें बचाती है और श्रीकांत से चौल छोड़कर दुबई चले जाने को कहती है। तेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, इसलिए सुरभि को ले और दुबई निकल। यही श्रीकांत को पता चलता है कि कार्तिक भी उसे गलत मानकर उससे बदला लेना चाहता है। अब आगे सब मेरे को एक बार कार्तिक से मिलना है। लोका फिर ले के तुझा। अरे भाऊ के मरने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया है, जब देखेगा तो मार डालेगा। श्रीकांत मार डालेगा। नहीं साहब, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा साहब। साहब कार्तिक जब इतना सा था ना, तब से जानता हूँ उसे। सब कार्तिक ऐसा नहीं करेगा। कार्तिक के हाथ से गलती हो सकती है, लेकिन लेकिन गुनाह नहीं साहब। सब यही सही मौका है। हम कार्तिक को गलत रास्ते से वापस ला सकते हैं। अगर मैं कार्तिक से आज नहीं मिला ना, तो कार्तिक अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा वो। सब मैं विनती करता हूँ तुम्हारा, बस एक बार मुझे कार्तिक से मिलने दो, बस एक बार प्लीज। ठीक है। ये कार्तिक का फट्टू है रे फट्टू, भाग गया पुलिस के डर से। तू परेशान ना हो, मैं आया ना तेरे साथ। वो देख श्रीकांत काका। तो मरेगा मेरे हाथ से। क्या देख क्या रहा है? अगर हिम्मत है ना तो एक बार ये लॉकअप खुलवा, फिर देख मैं तेरा हाल क्या करता है। भाऊ को बनवाया ना तूने, अब ऊपर जाके उससे तू माफी भी मांगेगा। कार्तिक। क्या क्या कार्तिक? आपको तो पता था ना कि बाबा की कोई गलती नहीं। चुप, एकदम चुप। तू क्या कब से कीर्तन सुना रही है? बाबा की कोई गलती नहीं है, बाबा की कोई गलती नहीं है, तो क्या हमारी गलती है? इसको दो दिन पहले से पता था भाऊ का गेम होने वाला है, ने बोला कि नहीं कुछ? साहब, ताला खोल दो। ए श्रीकांत, तू फिर से एक बार सोच ले। सोच ले साहब, दरवाजा खोल दो। ठीक है। वो बहुत गुस्से में, वहां मच्छर आपको मार देगा। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं होगा। बेटा इरादे अच्छे हो ना तो उसका कुछ गलत नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। तो पापा नहीं। कार्तिक तेरे सामने खड़ा हूं, जो करना कर ले। काका। बाबा। ए कार्तिक। बाबा कार्तिक, बाबा को छोड़ दो, उनकी कोई गलती नहीं है। भाऊ को क्यों मरवाया? तेरी वजह से आज हमारा चौर शमशान बना हुआ है। बोल कार्तिक, छोड़ दो रे। मार दे मेरे को, मार दे और या खक किस्सा खत्म कर दे। मेरा तेरा, तेरे आई का और तेरी बहन शांति का भी। ए, मेरी आई और मेरी बहन को बीच में क्यों ला रहा तू? हाँ तू अलाउ कर। देख मेरे को मार के तू
जिंदगी भर जेल के अंदर सजा भुगतेगा और वो दोनों जेल के बाहर सजा भुगतेंगे। बकवास बंद कर, तू क्या डरा रहा है मेरे को? नहीं करती, समझा रहा हूँ। भाऊ जैसे लोगों की जिंदगी में पुलिस की गोली ही लिखी होती है। आज नहीं तो कल ये होना ही था। कार्तिक, मामा। अब तेरे को तय करना है कार्तिक, कि तेरे को क्या करना है। अगर जिंदगी पूरी तरह बिगाड़नी है तो मेरे सामने हो, मार दे मेरे को। लेकिन अगर अपनी जिंदगी अच्छी तरह बिताना चाहता है तो छोड़ दे सारे धंधे। पकड़ के चलेगा तो जिंदगी आधे रास्ते दम तोड़ देगी। भाव की तरह कार्तिक, हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है और अभी अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ। इसलिए कह रहा हूं बेटा, जो मैंने बोला उस पर सोचना जरूर। चला, चल चल चल, ये बार चल। अरे डरता क्यों है, चल ना, चल चलो। वो चल निकल। तू किधर जा रहा है? तू रुक, साहब को बात करनी है तेरे से। जा। ये गेट तो मैंने खुलवा दिया, अब आगे का रास्ता तुझे ढूंढना है। जहां जाना है, जो करना है तू कर। इतनी मेहरबानी किस लिए? श्रीकांत की वजह से। श्रीकांत ने बहुत कुछ किया हमारे लिए और बदले में सिर्फ एक ही चीज मांगी, तेरी रिहाई, और हमने दे दी। इसलिए आज से तेरे ऊपर कोई भी चार्ज, तू आजाद है। ये ले। ये श्रीकांत के घर के पेपर। उस आदमी ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कमाया आज सब तेरे नाम कर दिया है। देख बेटा, जिंदगी में हर इंसान को एक बार मौका मिलता है और वही मौका उसकी आने वाली जिंदगी को तय करता है। तेरे नेक और ईमानदारी के रास्ते पे चलने का आगाज श्रीकांत ने कर दिया है। अब यह फैसला तुझे करना है कि तुझे इस पर चलना है या नहीं, और हो सके तो श्रीकांत को माफ कर देना।
कार्तिक अन्नी कुछ नहीं बोल रहा, रो रहा है, इधर ताई चुप है, तुम नहीं कुछ बोल रहा, समझा रहा ताई को। ये ताई, मैं जानता है, जो हुआ उसे बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं है ना, देख मैं भाव की जगह नहीं ले सकता, लेकिन मैं सब संभाल लेगा, सब संभाल लेगा, सब संभाल लेगा। शपथ। अपने लिए तो भाव ही सब कुछ था, अपना बाप, भाई, गुरु, ताई। आज से मेरी जिंदगी तुम लोगों की, अपने से पहले तुम लोगों के बारे में सोचो, मेरी आई से पहले, तू होगी शांति से पहले, तेरे बच्चों को भाई बनेगा, मैं सबका ख्याल रखूंगा, ये वादा रहा, मेरा। लेकिन तू अपनी ये चुप्पी छोड़ दे, मैं तेरे को ऐसे नहीं देख सकता। एहसान किया है हमने उस पर, और तुम उसे इस बात का एहसास दिन रात दिलाती रहना, इतना दबा देना अपने एहसानों के तले कि वो सर उठाकर सांस भी लेने ना पाए। फेवरेट गन थी, अब तू इसे संभालेगा। कमला तो आपको अनिकेत अंदर बुला रहे। शांति, क्या हुआ है? नहीं कार्तिक, तो इसकी चिंता मत कर। बाबा के हाथ में ऐसे ही गन देख के रोती थी, धीरे धीरे दिल का डर दिमाग में चला गया और ये ऐसी हो गई। हम इसे क्या बताओ, कुछ चीजें हमारे साथ किस्मत से जुड़ी होती है, हम चाहे ना चाहे उसके साथ निभाना पड़ता है। कार्तिक, किताबें नहीं पढ़ी मैंने, लेकिन जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। ये बंदूक है ना, किसी की अपनी नहीं होती, जब तक तुम्हारे हाथ में है तुम्हारे साथ है, कल किसी और के हाथ में चली जाएगी। तेरे बाबा को इस बंदूक ने मारा, आज भाव कुमार, अब और किसी को खोने की ताकत नहीं है मुझ में कार्तिक। आई
कार्तिक, हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है और अभी अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ। तेरे बाबा को इस बंदूक ने मारा, आज भाव को मार, अब किसी को खोने की ताकत नहीं है मुझे। आज से मेरी जिंदगी तुम लोगों की। भाव के फेवरेट कार्तिक, अब तू इसे संभालेगा। मैं सबका ख्याल रखेगा, ये वादा रखा। 4 साल बाद दुबई। सुरभि। हाँ बाबा। अरे देवा, अब तेरा मैं क्या करूं? सुबह हो नहीं कि तू किचन में घुस जाती है। गणपति बप्पा मोरिया। 9 बज गए बाबा, आपको आधे घंटे में काम के लिए निकलना। हाँ सो तो है। क्या सो तो है? मुझे आपकी ये आदत ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप लेट उठते हैं, फिर नाश्ता किए बिना काम के लिए निकल जाते हैं, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है बाबा। वाह, हे चांगला है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तेरी वजह से मेरी आदतें बिगड़ रही और तू ये सब मुझको ही बोल रही है। देख, एक तो तू सुबह जल्दी उठ जाती है, सुपर वुमन की तरह सारा घर का काम कर लेती। अरे मेरे लायक कोई काम बचता ही नहीं है यार, फिर जल्दी उठकर क्या करूं? सुरभि तू ना थोड़ी सी बिगड़ जा, मैं अपने आप सुधर जाऊंगा। अब ये सारे बहाने बाद में नाश्ता कर लीजिए। अरे वाह, कांदे पोहे मस्त, माय फेवरेट। मस्त। बाबा जल्दी जल्दी खाइए, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे। अरे वाह, गरम गरम चाह। लेट वेट कुछ नहीं, मैं आज काम पे जाने वाला नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली है ताकि तुम्हारे साथ रह सकूं। तुम बैठो, मैं देखता हूं। अरे अब्दुल भाई, आप आइए। अब्दुल चाचा आइए बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? तेरा लिए सैड न्यूज है, कंपनी में कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मैनेजर ने इसलिए सबका छुट्टियां कैंसिल कर दिया है। अहिला, ये कैसे हो सकता है? वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप जानते हो ना, मैं मेरी बेटी को घर में अकेला छोड़कर आता हूँ काम। मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, ना ही मेरे बच्चे ने कभी की, और अब ये लोग, ये अब्दुल भाई, आज मैं ऑफिस जाएंगे। सुरभि, बाबा आप जाइए और शाम को जल्दी घर वापस आ जाएगा, तब तक मैं खाना बना लूंगी और खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है? चलो अब आगे चलो, मैं आता हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। सॉरी। नो सॉरी, पर हाँ अगर शाम को लेट आए तो ये सॉरी वॉरी नहीं चलेगा। ओ बाबा, जल्दी आता हूँ। समझ लो। बाबा। आपका टिफिन। ये तो रोज की ही बात है, और वैसे आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं खुश हूँ, सब ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब जाओ, मिलते हैं शाम को। जाने क्यों आज सुरभि को इस तरह छोड़ के जाते हुए मन बहुत घबरा रहा।
बच रहे हैं? बाबा तो नहीं आ सकता अभी, फिर कौन है? उसने तुझे लटकाने की पूरी तैयारी कर रखी है। कार्तिक यहाँ पर कहीं बाबा को मारने तो नहीं?